नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकड़ हेडलाइंस राज्य में कोरोना पुनः संक्रमण शीत सजग रहा परामर्श दे आईएलएस निर्देशक अजय परिडा कहे संक्रमण तलमुहा रही किंतु सजग न रहिले विपद राज्य में 1300 टपिला कोरोना मृत्यु संख्या आज 11 मुंड नेला महामारी 24 घंटे 1547 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 891 स्थानीय संक्रमण 656 पूजा छुट्टी परे राज्य में स्कूल खोलिबा प्रसंग कोरोना स्थिति देखि नियाजिबो निष्पत्ति मुख्यमंत्री समीक्षा परे नियाजिबो पदक्षेप सूचना देले स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर दास मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामला क्राइमब्रांच मुख्यालय में पहुंचले आदित्यों मां तदंतर शिथिलता नहीं उठाइले प्रश्न कहले न्याय न मिले आत्महत्या करी ब्रह्मपुर में आईपीएल बेटिंग दुबई जाए लंबी चेर किंगपिन लाली आचारी घर उपर चढ़ाऊ दुई गिरफ 30 लाख अधिक टंका जबत घटनार छानबीन जारी आतंकवादी टार्गेट रे बीजेपी नेता जम्मू काश्मीर रे कुलगांव रे 3 बीजेपी नेता को हत्या घटना को निंदा करबा सह शोक संतप परिवार को समवेदना जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेडी नेता कुना त्रिपाठी अकामी ट्रांसफर्मर मंतव्य कड़ा निंदा कले केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी कहे संवेदनहीनता और दायित्वहीनता प्रकट करिछंती नेता कार्यानुष्ठान दाबी रे बीजेपी महिला मोर्चार धारणा तिर्तोल में जमुचे निर्वाचन प्रचार प्रचार मैदान में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संघेश्वर हाट में रोड शो एपटे भोटर को मनाइबा को बीजेडी प्रयास बुलेटिन आरंभ करबा निर्वाचन संपर्कित खबर रु तिर्तोल आज उपनिर्वाचन पाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रोड शो कर सीधासलख जा चित्र देखा
आपण सीधासळख दृश्य देखुं तीर्तोल जमुची प्रचार एवं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज रोड शो में जोगद प्रचार में आज से प्रचार करुं तीर्तोल विभिन्न स्थान बुलुंट रोड शो कर जार सीधासळख दृश्य आपने देखिपे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज रोड शो कर तीर्तोल से लोक संबोधन करुवर नजर रही तेज बर्तमान उपनिर्वाचन तीर्तोल पूरा सरगरम रही तीर्तोल प्रचार जोरसोर कंपुची आपधासल दृश्य देखी पाँचे कि भाव में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्तमान रोड शो में जोगद रोड शो में आपखिपे अनेक संख्यार हजार हजार जो कर्मी मैंने जोगद बर्तमान राली चली कि भाव नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जय जय जयगान बीजेपी जय जयगान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज तीर्तोल रोड शो में जोगद विभिन्न स्थान में से रोड शो करबा सहित जनसभा को मध्य संबोधित करछन्ते। आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में कोरोना पुनः संक्रमण होने आईएलएस निर्देशक अजय परिडा सूचना देखते शीत दिन में कोरोना पुनः बढ़िपे आशंका रही संक्रमण व्यापार सहायक होेणु सजग न रे संक्रमण बढ़िपार आशंका अधिक बोली से दिनक 1500 पजिट चिन्हट होता बेले भुवनेश्वर 100 पखापाखि पजिट चिन्हट होती पूजा संक्रमण बढ़िपार आशंका कर मात्र लोकों सहयोग जो संक्रमण स्थिर रही संक्रमण तलमुहा रही कि राज्य में पुनः संक्रमण होउछि आईएलएस रे टेस्टिंग होइथिबा 3-4 जन व्यक्ति पुनः संक्रमण देखा मिली से वैक्सीन संपर्क से कहते जे उभय राज्य केंद्र सरकार डाटाबेस प्रस्तुत कर देखा पड़ो सेकेंड वेव आसवाटार चान्स अच्छी कितनी कंट्रोल कराया डिपेड कर रीइनफेक्शन के पूरा रूल आउट करहबनी कारण मुझे मन कर मोर जो जनाशुना भितर जो केस गुड़ा देखुचु तातर तीन जन रीइनफेक्शन जो मैंने पूरा ये आमर ये टेस्ट करा कराला जो मैंने नेगेटिव थिले ना पॉजिटिव थिले तापर रिकवर नेगेटिव साइड मिलला कि 15 दिन पर पुणी से इनफेक्शन होेणु रीइनफेक्शन कि आप देखे प्रपोर्सन हिसाब से देखिए बहुत कम रीइनफेक्शन होटा कौन कौन रीइनफेक्शन होदर से ही स्ट्रेन पुणी आउ थे इनफेक्शन
करुच्छे कि आउ नुआ ट्रेन आसिक इनफर्ट करुच्छे से स्टडी हम से फर्चुनेटली जो तीन जन चार आम जाचु जो मान रि इनफेक्शन होकर सांपल आम एवं पुणी कलेक्ट कर पुराणा सांपल आम पाखे थी एवं नुआ सांपल कलेक्ट करेंटा आम गोटे भितर आनालीसीस् कर देखा जेनेटिकली कौन ये जेनेटिकली कौन स्ट्रेन चेंज हो किंबा इम्यूनिटी लेवल रे किसी चेंज होता आम आनालीसीस् कर जो मैंने सेकेंड लेवल में जो कहते सेकेंड लेवल जो मैंने इनफेक्शन होती बेसिकली से लंग लंग को अफेक्ट कर सो डेफिनेटली जो मैंने सेकेंड लेवल दे आर स्लाइटली हायर इनफेक्शन अच्छे जमीन सेकेंड वेव जो सब हो तार रीजन कौन अच्छे एपर्तंत स्टडी गुड़ा कम्प्लीट है कहीं हो तेनालीटा जना पड़गल आम जानवे कौ दृष्टि रोच वेदर आपण भाइरसर कौन चेंज अच्छी ना अगर को एनवायरमेंटल ग्राउंड रो चेंज आसूर जो सेकेंड वेव्रु आसर इनफेक्टिविटी रेट भी से भल भाव जना पड़े के इनफेक्टिविटी ना तर जो भाइरलांस लेवल जोटा कहते हैं जिते क्षतिकर हम सेटा भी भल भाव जना पड़े इनफेक्शन गत 24 घंटा रे ओडिशा रे 1547 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती आज खोर्धार सर्वाधिक 169 पॉजिटिव चिन्हट होते चिन्हट नुआ 1547 आक्रांत 891 जन क्वारंटाइन रे रहितले राज्य रे 1300 टपिला कोरोना मृत्यु संख्या आज 11 जीवन नहीं भाइरस याकु मिसाई राज्य रे मोट मृत्यु संख्या होईछि 1308 खोर्धारु सर्वाधिक 3 और कटक रे 2 जनंकर मृत्यु होईछि सेपरि कंधमाल नुआपड़ा रायगड़ जणे लेखाएं मृतक रही झारसुगुड़ा अनुगुल गंजामु जणे लेखाएं मृतक रही सेपरि आज राज्य में चिन्हट होती 1547 नुआ पॉजिटिव एथिरे क्वारंटाइन रे 891 जन रही बेले लोकाल केस रही 656 आज मध्य खोर्धारु सर्वाधिक 169 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होतीपरी कटकु 98 अनुगुलु 95 और जगत सिंहपुर 99 जन पॉजिटिव रही वर्तमान राज्य में मोट पॉजिटिव का संख्या 288,646 पहुंची सेपटे राज्य में मोट सुस्थ संख्या 282,038 पहुंची ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज्य में स्कूल खोलिबा प्रसंग कोरोना स्थिति देखि नियाजिबो निष्पत्ति एने स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर दास सूचना देछन्ति सेबरी प्रति सप्ताह रे कोरोना स्थिति नै मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करुछन्ति तबे परिस्थिति को दृष्टि रे रखी पदक्षेप नियाजिबो पूर्वरु पूजा छुट्टी जाई स्कूल को बंद घोषणा करा जायतिला विभाग प्री कोविड पोजिशन को स्कूल मान को कैंपस मान को आने को निर्देश दे शिक्षक मैंने हेडक्वार्टर अच्छा विभाग सब मत प्रस्तुत अच्छी जो माननीय मुख्यमंत्री इस संपर्क में जहाँ निष्पत्ति ने अनुसार कार्यकारी हम जम्मू काश्मीर रे आतंकवादी नियमित भाव में बीजेपी नेता मानंकु निशान करछन्ती गुरुवार राति रे कुलगांव रे आतंकवादी माने 3 जन बीजेपी नेता को गोली करी हत्या करछन्ती एमानंक मध्य रे बीजेपी युव मोर्चा महासचिव फिदा हुसैन तंकर सहयोग रसिद बेग उमर रमजान हाजम रहिछन्ती एही आक्रमण हत्याकांड परे पूरा अंचल रे आतंक सृष्टि होईछि पुलिस ओ सेना बाहिनी पक्षरु पूरा अंचल को घेराबंदी करा जाई सर्च ऑपरेशन आरंभ होईछि घटना को निंदा करछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहु चर्चित आदित्य दास मृत्यु मामला तदंतर शिथिलता को नहीं प्रश्न उठाइले आदित्य माँ तुरंत समाधान दाबी नहीं क्राइमब्रांचर द्वारस्थ हेले आदित्य माँ न्याय न मिलले आत्महत्या करने को से धमक देते एने आदित्य माँ कथा होती आम कटक प्रतिनिधि विश्वजित दास मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु प्रसंगे आज क्राइमब्रांच को भेटे माँ आर कहवा कथा जेहेतु क्राइमब्रांचर तदंतर शीतलता है से क्राइमब्रांच एडिजिंग भेटे आसा कितु गोटे प्रकार तदंतर जितेबाद शीतलता प्रकाश पाई प्रथम जीआरपी प्रथम तापर क्राइमब्रांच एसबू घटना को जो निला निश्चित भाव में मन गोटे कौटना गोटे प्रश्न उठू न्याय में कौन पर विलंब होती क्राइमब्रांच भेट आसती क्राइमब्रांच एडिंग भेट आसत निश्चित भाव में प्रतिक्रिया ना कौन कहे तीन मस रु अधिक समय होगा
ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଭେଟିକି ଆସିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି, ଛୁଟି ଅଛି କହିଲେ, ଆମେ ପଚାରି ପାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶୀତଳତା କାହିଁ, ତାଙ୍କ କାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତିନି ମାସ ଦୀର୍ଘ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଏ ହେବାର ତିନି ମାସ ହେଲା, ତିନି ମାସ ପରେ ଯଦି ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜିଆରପି, ପ୍ରଥମେ ଜିଆରପି ତ କିଛି କଲାଣି, ଜିଆରପିର ଭିତରେ ତ ଆମର ଆଗରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଲା ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଜିଆରପି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜିଆରପି ବି ଦେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଜିଆରପିକୁ ତାକୁ ଯେ ମୋ ପୁଅର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଇଟା ଇଏ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଭରସା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ଭରସା ରଖିବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଭରସା ରଖିବୁ ଆମେ? ହଁ, ଆଜି ଭେଟିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଜିଆରପି ପୋଲିସ କାହିଁକି କୁକୁର ଆଣିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, କେଉଁ କାହିଁଛି କେଉଁ ପାଇଲଟ ବସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଚାରିକରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଏତେ ଦୂର ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସିବିଆଇ ଦିଆ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଫେରାଇ ପାରିବେନି, ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ସିବିଆଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତନ ଦେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ। କେଉଁଠି ଚୁଟି ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଜିଆରପି, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା, ତାପରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତା ଇଏ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଜିଆରପି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ସେ ପୁରା ଜାଣିଥାନ୍ତା, ସେ କିଛି କଲାଣି ନିୟମ ରହିଗଲା, ସେ ସବୁ ଢିଲା ରହୁଛି, ଜିଆରପିର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ମୋ ଜିଆରପି ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ନାଇଁ, ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାହା ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ସେଟା ସେ ଜାଣିବେ ସିନା, କାହିଁକି ରଖିଲେ, ଆମକୁ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ ଯାହା କହିବା କଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ତାହା କହିଲୁ, ସବୁ କହିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ହଁ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟି କଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟ ବି ହୋଇପାରିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ସେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଘଟିଗଲାଣି, ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ବା ଗୋଟେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିପାରୁନି ଘଟଣାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସିବିଆଇ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବଣ୍ଡା ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଛାଡ଼ୁନି ଆନ୍ଧ୍ର ମେଡିକାଲ, ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଶାଖାପାଟଣା କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଟକି ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା ଘାଟିସ୍ଥିତ ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ଗାଁର 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରାଜୁ ବଡ଼ନାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅନଗେଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାଜୁ। ପ୍ରଥମେ ଲମତାପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା କେଜିଏଚ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଆହତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷେ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘାଟିକୁ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଝାରପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଘାଟିରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରପୋଷେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅଭିଷେକ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରପୋଷେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ପରେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିର୍ସା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ଲଗାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହି ଏବେ ବିବାଦରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କୁନାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ନ ହେବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ।
बीजेडी नेता और मंत्री मंतव्य कष्ट मुख्यमंत्री यह प्रति किसी समबेदना जनई आज रैली फिर जन मंत्री कहते मंत्री रणेन्द्र प्रताप परे बीजेडी नेता तथा अभिनेता पुना त्रिपाठी मंतव्य को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश पाई एक निर्वाचनी सभा रे कुना त्रिपाठी ना न नहीं दिवंगत मंगुदत्त को पोड़ा ट्रांसफॉर्मर सहित तुलना करथिले सुनंतु कोन कहितिले कुना आमर ट्रांसफॉर्मर जदि पोड़ा पड़िगला ताले सफा हिजो कथा ये किछि दिन हेलानी जो ट्रांसफॉर्मर बसीतिले से ट्रांसफॉर्मर काम कले दी बोली भाई भौनी माने कथा वार्ता होछ मो स्वामी कोन सतरे कर पोड़ा ट्रांसफॉर्मर बार को नहीं केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ते सांसद अश्विनी वैष्णव मध्य निंदा करिछन्ते से वास्तव रे न अभिनेता सर कोन असुविधा छ से अभिनेता और नाटक करछन्ते हो उड़िया संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथक संस्कृति एही संस्कृति रे जणे जे कि लोकों को सहित तो भाई थिले लोकों को प्रत्येक परिवार रो मेंबर थिले तांको विषय रे एभलिया कथा कहिबा हमर संस्कृति रो कथा नुओ पुड़ा ट्रांसफॉर्मर कहवा से भाया कथाटा गोटे सुजोग कह से भाया कथाटा आमर संस्कृति नुह जे मैंने भाया कथा कहते लोक शिखाइबे कथाटा विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक ट्वीट करी कड़ा समालोचना करिछन्ति लेखिछन्ति एभली मंतव्य रुचिहीनता संवेदनहीनता और दायित्वहीनतार परिचय सेहिभली बीजेपी साधारण संपादक गोलक महापात्र ट्वीट कर लिखिंट कुना त्रिपाठी हृदय नहीं आवेग नहीं से संपर्क अर्थ बुझती ना पूर्व विधायकों मृत्यु को भगवान को सुजोग कही बदय होते मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई तेरे जनकर मृत्यु को नहीं बीजेडी नेता और मंत्री बयान और सेमान तुंडी में लगाम लगुन नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश पाई बालेश्वर प्रकाश महांती और रोशन रथों की रिपोर्ट अर्गस न्यूज दिवंगत विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग को नहीं असम्मान प्रसंग जहाँ को नहीं प्रेसमिट कर राज्य सरकार को प्रश्न करिछन्ते बीजेपी सांसद ज्वेल ओराम राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री और बीजेडी नेता संवेदनहीन बयान को नहीं मुख्यमंत्री को प्रश्न करिछन्ते सांसद पार्टी तरफ मत दुई दिन धरी बालेश्वर उपनिर्वाचन प्रचार करवा दायित्व सुजोग दिखे मुझ गाली पांचटा प्रोग्राम कर श्रीरामपुर मोटरसाइकिल राली और कार्यकर्ता पब्लिक को संबोधन करूपा स्थान पर्यटन गोटे राली और से भाषण देकर मुझे संबोधन करसीपदा हाट बिहार से जगार मोटरसाइकिल राली कर पब्लिक स्पीच दे हरदीपदा से मोटरसाइकिल राली समय सर अलग अपडेट को नमस्कार।